नमस्कार, सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में मैं अमोल खोड़े आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सर्वप्रथम हेडलाइंस से। गौरवपूर्ण ध्वजारोहण से मनाया गया संयुक्त महाराष्ट्र का 52वां वर्धापन दिन। प्रकल्पग्रस्त का आत्महत्या का प्रयास विफल, पालक मंत्री ने दिया उचित आश्वासन। कामगार दिन पर भी हुई कामगारों की अवहेलना और आग उगल रहा सूरज, पारा पहुंचा 45 डिग्री के पार। सुर्खियों के इस भाग के प्रायोजक है इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर, आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र राज्य के 52वें वर्धापन दिन का समारोह महानगर में गौरवपूर्ण ध्वजारोहण समारोह से मनाया गया। इस अवसर पर शासकीय पथ संचलन भी आकर्षक रहा। संयुक्त महाराष्ट्र के स्थापना का 52वां वर्धापन दिन मंगलवार को पूरे महाराष्ट्र भर में गौरवपूर्ण ध्वजारोहण समारोह से मनाया गया। विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन भी इस अवसर पर सम्पन्न हुए। अमरावती महानगरी में भी महाराष्ट्र दिन पूरे उत्साह से मनाया गया। जिले के पालक मंत्री एवं कृषि मंत्री विखे पाटिल के हाथों जिला स्टेडियम पर ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय तिरंगे को मानवंदना दी गई। के पश्चात उत्कृष्ट पंथ संचलन से भी संयुक्त महाराष्ट्र के 52वें वर्धापन दिन के अवसर पर राष्ट्रीय तिरंगे झंडे को मानवंदना प्रदान की गई। शासकीय ध्वजारोहण में शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पर भी सवाल उठे। पालक मंत्री महोदय ने कहा कि ये गौरवपूर्ण समारोह है और ऐसे समारोह में तमाम शासकीय कर्मचारियों को उपस्थित होना जरूरी होता है। पालक मंत्री महोदय ने
पूरे जिला वासियों को सिटी न्यूज के माध्यम से महाराष्ट्र दिन की शुभकामनाएं भी प्रदान की। विविध भागातील सर्व भागप्रमुख, इतर सर्व यंत्रणेतील अधिकारी, सर्व आपले जवान साथी, प्रसार माध्यमांचे सर्व सन्माननीय प्रतिनिधी, उपस्थित बंधू आणि भगिनी, महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या 52 वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने मी आपल्या सर्वांना माननीय मुख्यमंत्री आमदार पृथ्वीराज चव्हाण साहेबांच्या वतीने आपल्या सर्वांना जनतेला हार्दिक शुभेच्छा देते। स्थापनेला 52 वर्ष पूर्ण होत आहे। संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनामध्ये ज्यांना हुतात्मा पत्करावं लागलं, सर्व हुतात्म्यांना समजा मी अभिवादन करतो। त्यांच्याप्रती भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करत असताना या राज्याच्या निर्मिती पाठीमागची जी भावना होती, समृद्ध महाराष्ट्र करण्याची जी भावना सगळ्यांच्या मनामध्ये होती, भावनेचा आदर करत असताना 52 वर्षाच्या राज्याच्या वाटचालीचा लेखाजोखा, इतर सर्व या प्रशासनाचे जे घटक आहेत, इतर सगळे विभागाचे घटक आहेत, या अमरावती जिल्ह्याच्या विकासाकरता तत्परतेने काम करतायत। जिल्ह्याचा जो अनुशेष आहे, अनुशेष भरून काढत असताना शासनाने दिलेल्या प्रत्येक योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी, ती जनमानसाच्या माणसाच्या माणसाला विश्वासाला पात्र ठरेल अशा पद्धतीने त्याची अंमलबजावणी करत असतात। या जिल्ह्याला प्रगतशील जिल्हा म्हणून पुढे येण्याची जो पुढे येण्याचा संकल्प सगळ्या प्रशासनाला केलेला आहे, त्यांचा सुद्धा या निमित्ताने महानगर के महानगर पालिका में भी महाराष्ट्र दिन के अवसर पर ध्वजारोहण संपन्न हुआ। मनपा महापौर सौ वंदना कंगाले के हाथों मनपा पर ध्वजारोहण किया गया। मनपा के पार्षदगण, मनपा अधिकारी, कर्मचारी आदि ध्वजारोहण समारोह में प्रमुखता से उपस्थित थे। महानगरपालिका अमरावतीच्या वतीने सर्व नागरिकांना महाराष्ट्र दिनाचा व कामगार दिनाचा हार्दिक शुभेच्छा। स्थानीय जिल्हाधीश कार्यालयाने महाराष्ट्र दिन के अवसर पर भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन संपन्न हुआ। जिले के 14 तहसीलों के 200 से ज्यादा कर्मचारियों ने इस रक्तदान शिविर में रक्तदान कर अनोखे ढंग से महाराष्ट्र दिन मनाया। विभागीय आयुक्त गणेश ठाकुर, जिलाधीश राहुल रंजन महिवाल सहित तमाम आला अफसरों ने इस रक्तदान शिविर में रक्तदान किया। इस तरह पूरे जिले भर में महाराष्ट्र दिन पूरे उत्साह से मनाया गया। पर कुछ शासकीय कार्यालय ऐसे भी थे कि जिन पर ध्वजारोहण नहीं किया गया था। महानगर का जिला ग्राहक मंच कार्यालय, लघु पाट बंधारे विभाग, भूमि अभिलेख उपसंचालक कार्यालय, ये ऐसे कार्यालय है जिन्होंने महाराष्ट्र दिन को भुला दिया हो ऐसा प्रतीत हुआ। इन कार्यालयों में शासकीय ध्वजारोहण तक नहीं किए गए। वस्तुस्थिति की समीक्षा, सिटी न्यूज। नांदगाव खंडेश्वर तहसील क्षेत्र के तहत आने वाले एक प्रकल्पग्रस्त ने
जिला स्टेडियम पर पथसंचलन दौरान आत्महत्या का प्रयास किया। पुलिस की सतर्कता से ये प्रयास विफल कराया गया। पालक मंत्री महोदय ने इस ओर ध्यान देने का आश्वासन दिया है। नांदगांव खंडेश्वर तहसील क्षेत्र अंतर्गत आने वाले खेड़ पिंपरी गांव के निवासी गजानन वामनराव साठे नामक प्रकल्पग्रस्त युवक ने महाराष्ट्र दिन के पथसंचलन के दौरान जहर पीकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। पुलिस प्रशासन की सतर्कता से उसे आत्महत्या करने से रोका गया। सन 1994 में सदल प्रकल्पग्रस्त युवक की खेती सरकार ने एक प्रकल्प के लिए संपादित की थी, जिसका दाखला भी उसे मिला। उत्पन्न का मूल आधार खेती। प्रकल्प बाधित होने से साठे परिवार पर भूखमरी की नौबत आन पड़ी। परिवार का गुजारा होने हेतु गजानन साठे ने प्रशासन से प्रकल्पग्रस्त के पद पर नौकरी मिलने के लिए गुहार लगाई। इतना ही नहीं बल्कि महामहिम राष्ट्रपति से लेकर जनप्रतिनिधि तथा अधिकारियों को भी ज्ञापन सौंपे, जिस पर कोई निर्णय न होने पर इस प्रकल्पग्रस्त युवक ने ये आत्मघातकी कदम उठाया। माझी शेती 1994 मध्ये शासनाने संपादित केलेली आहे आणि त्यापासून मला 1999 मध्ये दाखला मिळाला आहे सर। आणि तसेच सर, मी बरेचदा अनेकदा जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये अर्ज केले की मला नोकरी मिळण्यात यावी। तसेच माझ्या पोटाचे ऑपरेशन झालेले आहे सर, अभिजित देशमुख, डॉक्टर अभिजित देशमुख रुक्मिणीनगर अमरावती यांच्याकडे। आणि तसेच सर, मी शासनाला अनेकदा अर्ज केले, डॉक्टर अब्दुल कलाम यांच्या वेळेस पण अर्ज केला, राष्ट्रपतीच्या वेळेस पण, त्यांनी मला रिस्पॉन्स दिलेला नाही सर। आणि आता मी प्रतिभाताई पाटील अमरावतीच्या असल्याच्या कारणाने मी त्यांना आईप्रमाणे समजून एक अर्ज विनंती अर्ज केला सॉरी सर, पण त्यांनी पण रिस्पॉन्स दिलेला का नाही हे मला माहिती नाही सर। आणि मी जिल्हाधिकारी आपले महिवाल साहेबांना पण अर्ज दिला, फॅक्स पण केलेला आहे, मी माझ्याकडे पावती पण आहे फॅक्सची, आणि तरी मला नोकरीची खूप आवश्यकता आहे सर। त्याच्यामुळे सर मी वीज प्राचीन करण्याचा आणि शासनाला पण सर मी पत्र दिलं सर। बाकी माझी काही इच्छा नाही सर, फक्त मला नोकरी पाहिजे सर, बाकी काय माझं काही म्हणणं नाही सर। महाराष्ट्र दिन के पथसंचलन के दौरान गजानन साठे ने आत्महत्या का प्रयास करते ही प्रशासकीय खेमे में काफी खलबली मच गई थी। जिले के पालक मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने सदर प्रकल्पग्रस्त के किस श्रेणी में आता है यह तय होने के बाद इस युवक के नौकरी के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया। प्रत्येक प्रकल्प की एक वेगळी यादी होती, आता मधल्या काळामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्तरावर आता त्याची कार्यवाही होते, खरं म्हणजे त्याची सुद्धा एक यादी तयार केली आहे। कारण प्रकल्पग्रस्त वेगवेगळ्या बाधित झालेले, म्हणजे शासकीय जो काही प्रकल्प येतो त्यातून मग तो प्रकल्पग्रस्त धरला जातो ना, तर ती यादी आहे। अधिक त्यांचे काही समज गैरसमज असतील जे जिल्हाधिकाऱ्यांना मी सांगतो, त्यांच्याशी एकदा बैठक घेऊन ती विसंगती काय असेल तर दूर करायला। मई महिना आरंभ हो गया है और सूरज ने भी अपनी आंखें तर कर रखी है। महानगर में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच जाने से महानगरवासी चिलचिलाती धूप से हलाकान अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। मई महीने के शुरुआत से ही सूरज की तपन तेज होने लग गई, जिससे शहर का तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंच गया। चिलचिलाती धूप से चेहरे पर पसीने छूट रहे हैं। दोपहर के समय आग उगलता सूरज लोगों को घर में ही रहने के लिए मजबूर कर रहा है। दोपहर को शहर के रास्तों पर भी वीरानी छाई रहती है। इस चिलचिलाती धूप से आमजन पसीने से लथपथ होते भी दिखाई दे रहे हैं। धूप से बचने के लिए दुपट्टे और छतरियों को ढाल बनाया जा रहा है तथा शीत पेयों से राहत और ठंडक महसूस की जा रही है। आम नागरिकों के साथ साथ खाने पीने के सामग्री पर भी कड़ी धूप का बुरा असर देखा जा रहा है, जिससे गैस्ट्रो, डायरिया ऐसी कई बीमारियां आमजनों को बाधित कर रही है। आग उगल रहे सूरज के कारण और चिलचिलाती धूप से जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हो गया है। 1 मई को सर्वत्र पूरे महाराष्ट्र भर में महाराष्ट्र दिन मनाया गया। अमरावती महानगर पालिका ने भी महाराष्ट्र दिन बड़े जोश के साथ मनाया। पर इसी महाराष्ट्र दिन के दिन कामगार दिन भी मनाया जाता है, ये शायद अमरावती महानगर पालिका का प्रशासन भूल गया। महाराष्ट्र दिन और कामगार दिन के इस दिन भी महानगर में सरकारी कार्यों पर मजदूर कार्यरत देखे गए। मंगलवार की सुबह अमरावती महानगर पालिका द्वारा महाराष्ट्र राज्य स्थापना का 52वां वर्धापन दिन बड़े धूमधाम से मनाया गया। अमरावती मनपा को महाराष्ट्र दिन तो याद रहा, लेकिन मजदूर दिन मनाना मनपा शायद भूल गई, लेकिन कामगार दिन मनाना महानगर पालिका शायद भूल गई, जिसके चलते महानगर में मनपा द्वारा जारी विभिन्न कामों पर कई कामगार तपती धूप में काम करते नजर आए। ऐसा ही नजारा स्थानीय अंबादेवी मंदिर परिसर में दिखाई दिया।
मनपा के अंतर्गत अंबा नाले के पुलिया का काम जारी है, लेकिन कामगार दिन पर भी यहां कामगार काम पर तैनात दिखे। एक ओर सरकार द्वारा मजदूर हित के बड़े बड़े दावे होते हैं, तो दूसरी ओर मजदूरों को असुरक्षित छोड़ छुट्टी के दिन भी उनसे काम करवा लिया जाता है। क्या मजदूर दिन मनाना सरकार का एक दिखावा है, या वाकई में मजदूर दिन मजदूरी के सम्मानार्थ मनाया जाता है, ऐसा सवाल भी कामगार दिन के उपलक्ष्य में उठाया गया। देखते हैं क्या कहता है हमारा आज का कार्टून कोना। जाते जाते एक नजर दौड़ाते हैं आज के मौसम के हाल पर। जाते जाते एक बार फिर से नजर दौड़ाते हैं हेडलाइंस पर। गौरवपूर्ण ध्वजारोहण से मनाया गया संयुक्त महाराष्ट्र का 52वां वर्धापन दिन। प्रकल्पग्रस्त का आत्महत्या का प्रयास विफल, पालक मंत्री ने दिया उचित आश्वासन। कामगार दिन पर भी हुई कामगारों की अवहेलना। आग उगल रहा सूरज, पारा पहुंचा 45 डिग्री के पार। सिटी न्यूज पर आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लेन, शक्कर सात, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 2563833। सिटी न्यूज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहे सिटी न्यूज। नमस्कार। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अर सांगे काय खरी। इंडिया बुल्स होम लोन्स